ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आपका ये तारीख साज फैसला जिसका आगाज आज हो रहा है, आज तारीखी दिन है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है और जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है, इसमें पूरे पाकिस्तान के वर्किंग जर्नलिस्ट, चाहे वो सहाफ़ी हों, चाहे वो मीडिया आउटलेट्स के साथ जुड़े एम्प्लॉयज़ हों, टेक्निकल रिसोर्स हो, इसी तरह आर्टिस्ट जो हैं पूरे पाकिस्तान से, उनके आपकी हदायत के ऊपर इस साल बजट में 1 बिलियन सहाफ़ियों के लिए और 1 बिलियन आर्टिस्ट के लिए मुख्तस किया गया। और जिस तरह आपकी हदायत थी कि खाली ये अनाउंसमेंट ना हो बजट के बाद, बल्कि इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होना है हमारे जाने से पहले, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, 2 हफ्ते पहले इस फॉर्म का आर्टिस्ट जर्नलिस्ट के लिए और 1 हफ्ता पहले आर्टिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आज से नहीं, बल्कि आज हम स्टेट लाइफ के साथ एक एमओयू साइन करेंगे। आपको याद होगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की बुनियाद रखी थी और ये उसी की कंटिन्यूटी है। उस वक्त स्टेट लाइफ की भी कैपेसिटी नहीं थी, पाकिस्तान में पहली दफ़ा हेल्थ कार्ड का इजरा हुआ था और वो उस बुनियाद ने, उस कैपेसिटी बिल्डिंग ने, और आज हम स्टेट लाइफ की उस एक्सपीरियंस के ऊपर ये हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन आपका आर्टिस्ट के लिए और जर्नलिस्ट के लिए इसका आगाज करेगी। और इस एमओयू के बाद हम इंशाल्लाह 7 अगस्त को आप खुद आर्टिस्ट को और जर्नलिस्ट को कार्ड का इजरा भी करेंगे इसी हफ्ते। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर, ना सिर्फ ये हेल्थ कार्ड आपकी हदायत के मुताबिक इस बजट में डाला गया है, बल्कि जर्नलिस्ट की पूरी वेलफेयर के लिए एक कानून साजी की गई है जिसमें उनकी मिनिमम वेज को और उनकी तनख्वाहों को गवर्नमेंट बिजनेस के साथ जोड़ा गया है। अब ये प्रॉपर एक इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट, फेयर और ड्यू डिलिजेंस के साथ इस कार्ड का आगाज किया गया है। अब एक डेटाबेस के जरिए एक पूरा सहाफियों का और जर्नलिस्ट का जो कार्ड है हेल्थ इंश्योरेंस, वो उनको एक कार्ड की शक्ल में मिलेगा और आपने अभी बेनिफिट्स देखे जो कि इस कार्ड में होंगे, इन पेशेंट, आउट पेशेंट और डिफरेंट सर्जरीज के भी आपने देखे। इसमें इम्प्लांट्स हैं, रीनल सर्जरीज हैं, हार्ट सर्जरीज हैं, कार्डियक सर्जरीज हैं और फिर एम्बुलेंस सर्विस भी इसके अंदर मुहैया की गई है। स्टेट लाइफ के चेयरमैन यहाँ हैं, इन्होंने बहुत सी वैल्यू एडिशंस भी इसके लिए की हैं जो आपने अनाउंसमेंट की है। इसके साथ प्राइम मिनिस्टर, जैसे मैंने पहले कहा कि ये हेल्थ इंश्योरेंस के साथ पूरा सहाफियों के वेलफेयर और आर्टिस्ट के वेलफेयर का एक बंदोबस्त है। आपको जानकर खुशी होगी कि आपने 15 माह में, ये भी आपको आपकी हदायत थी कि जो सहाफियों की तनख्वाहें हैं वो उनको मिलें, तो 12 करोड़ रुपया न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज को रिकवर करके उनकी तनख्वाहों को दे दिया गया है। इसी तरह जो मीडिया वर्कर है उसकी भी इस वक्त पूरी सिक्योरिटी और जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका आगाज कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर, ये हेल्थ इंश्योरेंस उसी तरह जो यूथ प्रोग्राम की कंटिन्यूटी है आपके हाथों हुई, जो 4 साल हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में आगे नहीं बल्कि पीछे की तरफ गए, उसी की कंटिन्यूटी आपने उनके रिवाइवल, ना सिर्फ उन महकमों को, उन शोबों को रेस्क्यू किया बल्कि उनको रिवाइव किया, रिकवर किया और रीबिल्डिंग की तरफ लेकर गए, चाहे उसमें सीपैक हो, चाहे उसमें एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो, चाहे उसमें यूथ प्रोग्राम हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स हो, चाहे बिस्प हो, इसी तरह सोशल अपलिफ्ट के प्रोग्राम्स हो, चाहे वो मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और ये हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड भी उसी कंटिन्यूटी का एक आगाज है जो आज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं तमाम टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ, दिन रात आपकी हदायत पे उन्होंने काम करके आज इस दिन, जिस दिन हम आपके जरिए इस एमओयू के जरिए इस का बाज़ाब्ता आगाज कर रहे हैं और जिसका इजरा आप करेंगे, आप सबका बहुत शुक्रिया।